Good morning, all of you. So today we are going to see the next disk scheduling algorithm, that is look and see look. So let's start. The next disk scheduling algorithm is look disk scheduling algorithm. Basically, in this algorithm, जैसे अभी तक हम लोगों ने जो algorithms पढ़ी scan और see scan, उसी से मिलता जुलता है इसमें भी. तो इसमें क्या करना है, basically जो आपका लुक एल्गोरिथम है, लुक एल्गोरिथम में अगेन सबसे पहला काम वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्क आर्म, कि डिस्क आर्म किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. सो फर्स्ट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ डिस्क आर्म, डिस्क आर्म के मूवमेंट का डायरेक्शन फाइंड करना है, दैट इज वेदर इट इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट डायरेक्शन. व्हेन वी हैव डन दिस, देन नेक्स्ट जिस डायरेक्शन में भी हमारा आर्म मूव कर रहा है, वेदर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है या राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन की सारी रिक्वेस्ट को हमें सर्व करते हुए मूव करना है. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट इन दैट डायरेक्शन. सो स्टार्ट सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट इन दैट डायरेक्शन, इन द मूविंग डायरेक्शन ऑफ डिस्क आर्म. डिस्क आर्म जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन के सारी रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करना है. कब तक प्रोवाइड करना है, अंटिल एंड अनलेस वी रीच द लास्ट रिक्वेस्ट इन दैट डायरेक्शन, अंटिल लास्ट रिक्वेस्ट इन दैट डायरेक्शन इज रीच्ड. ठीक है, मतलब अगर हम राइट हैंड साइड पे मूव कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे जो भी हमारी लास्ट रिक्वेस्ट होगी एंड से पहले तक, हमें वहां तक मूव करना है, एंड पे नहीं जाना है इसमें. ठीक है, जैसे हम लोग आपका जो स्कैन या सी स्कैन था उसमें हम लोग एंड पॉइंट को टच करते थे, लुक में हमें एंड पॉइंट को टच नहीं करना है. ठीक है, नेक्स्ट जब लास्ट रिक्वेस्ट पे हम पहुंच गए, अब इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, हमें जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है, जो नेक्स्ट डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में मूव करना है. ठीक, एक नेक्स्ट जब हम उस डायरेक्शन के लास्ट तक पहुंच गए, तब हमें लास्ट से रिवर्स होना है, रिवर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स होना है. और अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स होने के बाद, अब जैसे उसमें था कि हम पूरा स्टार्टिंग पे आते थे, तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग पे नहीं आना है, हमें उस डायरेक्शन की जो भी रिक्वेस्ट हमें मिल रही है उन रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करना है. ठीक है, तो रिवर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड स्टार्ट सर्विसिंग द रिक्वेस्ट इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें.
ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, जो आपका लास्ट क्वेश्चन था वही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन वन फॉर दिस। इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग लुक एल्गोरिथम। क्या दिया हुआ है? ऑन अ डिस्क विथ 1000 सिलेंडर्स, देर आर 1000 सिलेंडर्स। ओके सॉरी, हियर इट इज गिवन, ऑन अ डिस्क देर आर 1000 सिलेंडर्स। नंबर्स हैं 0 से लेके 999 तक। We have to compute the number of tracks the disk arm must move to satisfy all the requests in the disk queue. उस disk queue में जितनी भी requests हैं उनको service provide करना है। Assume the last request was service at 345. Last request 345 पर थी। And head is moving towards zero. The queue order contains the request for the following tracks. Tracks आपको दिया हुआ है। अब calculate using the look algorithm. We have to calculate this using look algorithm. ठीक है? So next question आपका ये कल वाला ही है। Question note कर लीजिए। Main आपको ये data note करना है। Next. So let's start solving this. Whiteboard visible है आप लोगों को? व्हाइट बोर्ड विजिबल है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, सो यहां पे हमें जो ऑर्डर दिया है वो क्या है? 123, 874, 692, 475, 105 एंड 376। ये हमें फीफो क्यू का ऑर्डर दिया हुआ है। फीफो क्यू की रिक्वेस्ट हमारी इस ऑर्डर में सिस्टम में अराइव हुई। नेक्स्ट डायरेक्शन, आप प्रेजेंट पोजीशन क्या है हेड की? प्रेजेंट पोजीशन इज एट 345 एंड मूविंग टुवर्ड्स जीरो। मूविंग टुवर्ड्स जीरो, दो चीजें आपको यहां पर और दी हुई हैं कि प्रेजेंट पोजीशन है 345 एंड डिस्क आर्म इज मूविंग टुवर्ड्स जीरो। अब सबसे पहला काम, आपको यहां पर डिस्क की लेंथ भी दिया होता है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स। नंबर ऑफ सिलेंडर्स है आपके 0 to 999, तो इस लाइन पे मार्क किया 0 to 999। नेक्स्ट, अब जितने भी यहां पर नंबर्स हैं इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जैसे बाकी एल्गोरिथम्स में कर रहे थे। सबसे पहला हमारा नंबर आएगा 123, देन वी हैव, सॉरी, पहला आपका आएगा 105, नेक्स्ट 123, नेक्स्ट आपका आएगा 345, नेक्स्ट 376, नेक्स्ट 475, नेक्स्ट इज 692 एंड नेक्स्ट इज 874। ठीक है, इतना हो गया। अब
जिस डायरेक्शन में हेड मूव कर रहा है, हेड की प्रेजेंट पोजीशन क्या है 345। अब जिस डायरेक्शन में हेड मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में हमें मूव करना है, हेड इज मूविंग टुवर्ड्स जीरो, तो हमें जीरो वाली डायरेक्शन में मूव करना है सारी रिक्वेस्ट को सर्व करते हुए। तो पहली रिक्वेस्ट हमारी लेफ्ट हैंड साइड में 123, तो 123 को सर्विस प्रोवाइड किया, ठीक है। नेक्स्ट 123 के बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है 105, तो 123 के बाद 105 को सर्विस प्रोवाइड किया। नेक्स्ट अब एंड पे नहीं जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे आपकी रिक्वेस्ट सर्व हो गई, अब डायरेक्शन रिवर्स करना है और दूसरे एंड की रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करना है। अब जब डायरेक्शन रिवर्स किया हमने, राइट हैंड साइड मूव करना है, तो राइट हैंड साइड पे पहली रिक्वेस्ट कौन सी है 376, तो 105 से हम मूव करके आए 376। नेक्स्ट 376 से 475, देन 692 एंड देन 874, ठीक है। तो ये आपकी सारी रिक्वेस्ट हो गई। टोटल कैलकुलेट कर लीजिए कितना डेस्क आर्म का मूवमेंट हुआ, चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए व्हाट इज द टोटल डेस्क आर्म मूवमेंट इन दिस। यस, करेक्ट आंसर शिल्पी, सूर्य प्रकाश, श्वेता, प्रिया, सत्या, गुड, समृद्धि, वैभव, ठीक है। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज दिस, टोटल डिस्क आर्क मूवमेंट इज 1009। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे भी। ओके, नेक्स्ट वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन इन दिस। नाउ द क्वेश्चन नंबर टू, दिस अगेन सेम डेटा है, क्वेश्चन हम लोग पहले नोट कर चुके हैं, तो क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा ये। दिस इज क्वेश्चन टू फॉर टुडे। व्हाट इट इज सेइंग, सपोज दैट अ डिस्क ड्राइव हैज 5000 सिलेंडर्स। डिस्क ड्राइव में 5000 सिलेंडर्स हैं, नंबरिंग है 0 to 499। द ड्राइव इज करेंटली सर्विसिंग अ रिक्वेस्ट एट सिलेंडर 143। प्रीवियस रिक्वेस्ट वाज एट सिलेंडर 125। मतलब अब जो हमारा हेड का डायरेक्शन है दैट इज राइट हैंड साइड, क्योंकि पहले रिक्वेस्ट 145 पे थी, करंट रिक्वेस्ट है 143 पे, तो असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब राइट हैंड साइड पे हमारा डिस्क आर्म मूव कर रहा है। Q हमको दिया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस यूजिंग पेंडिंग रिक्वेस्टिंग फीफो ऑर्डर इज दिस। ऑर्डर में आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम द करेंट हेड पोजीशन, ओके सॉरी यहां तक है क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व दिस यूजिंग पर अगेन यूजिंग लुक algorithm. We have to solve this using the look algorithm. So again, इसको भी start करते हैं. In this case,
जो आपको डिस्क का मूवमेंट दिया हुआ है, जो रिक्वेस्ट दी हुई है उनको पहले नोट किया यहाँ पर, आपको जो रिक्वेस्ट दी हुई थी दैट इज 86 1470 913 1774 948 1509 1022 1750 130. ठीक है, प्रेजेंट पोजीशन है आपकी, करंट पोजीशन इज 143. सबसे पहला काम एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया. आफ्टर प्लॉटिंग द स्ट्रेट लाइन नंबर्स यहां पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया 0 to 4 999. जितने भी नंबर्स दिए हुए थे इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. सबसे पहला 86, देन आपका 130, देन 143, देन 913, देन 948, देन 1022, नेक्स्ट 1470, 1509, नेक्स्ट 1750, नेक्स्ट 1774. डिस्क आर्म का मूवमेंट प्रेजेंटली हमारा डिस्क आर्म है एट पोजीशन 143 पे, तो 143 पे है. अब डायरेक्शन इसका दिया हुआ है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको सर्विस प्रोवाइड करना है. 913, 948, 1022, नेक्स्ट 1470, नेक्स्ट 1590, 1750, 1740. अब डिस्क के एंड तक नहीं जाना है, अब वापस डायरेक्शन रिवर्स करना है. डायरेक्शन रिवर्स करना है और जो भी हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन में पहली रिक्वेस्ट होगी उसको सर्विस प्रोवाइड करना है. तो मतलब 1744 से 1774 से हम रिवर्स हुए 130 पे. 130 के बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट रिक्वेस्ट 86. सारी रिक्वेस्ट सर्विस हो गई. कुछ लोगों ने बहुत पहले सॉल्व कर लिया है, गुड. लेट्स एवरीबॉडी आंसर दिस. सभी लोग आंसर करिए इसका. बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है इसमें. काफी लोगों ने सही आंसर किया है. कुछ लोगों का नाम, सबसे पहले आंसर किया इशिता जायसवाल, देन शिल्पी, अमन केसरवानी, वरुण वर्मा, समृद्धि, सुहानी, सुप्रिया, स्नेहा. दैट्स और भी बहुत लोगों ने सही आंसर किया है. द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज It's 3319. Correct answer is 3319. Done. समझ आया ये? ओके,
नेक्स्ट एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं. आपके सिलेबस के हिसाब से दिस इज लास्ट एल्गोरिथम, ऑल्दो देर आर सम मोर एल्गोरिथम्स ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग. आपके सिलेबस के हिसाब से लास्ट एल्गोरिथम जो है दैट इज सी लुक. ठीक है, नेक्स्ट एल्गोरिथम इज सी लुक, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. ठीक है, सी लुक में क्या करना है, ऑलमोस्ट सेम है हमारा, जैसे हम लोग लुक पढ़ रहे थे वैसे ही सी लुक भी है आपका, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट को सर्व करना है जिस डायरेक्शन में हमारा हेड मूव कर रहा है. ठीक है, जब तो पॉइंट वाइज इसको लिखते हैं. फर्स्ट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्क आर्म. ठीक है, किस डायरेक्शन में हमारा डिस्क आर्म मूव कर रहा है. ठीक है, इन द मूविंग डायरेक्शन, इन द डिस्क आर्म मूविंग डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में डिस्क आर्म मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में सर्विस ऑल द रिक्वेस्ट. उस डायरेक्शन में सारी रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करना है जैसा हमारा लुक में था, सेम चीज यहां पर. ठीक है, सी लुक में जिस डायरेक्शन में हमारा हेड मूव कर रहा है उस डायरेक्शन की सारी रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करना है. नेक्स्ट, इसके बाद व्हेन अंटिल रीचेस द लास्ट रिक्वेस्ट इन दैट डायरेक्शन, अंटिल रीचेस द लास्ट रिक्वेस्ट इन दैट डायरेक्शन. ठीक है, तो अगर हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो राइट साइड में जितनी भी रिक्वेस्ट हैं उन सारी रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करते हुए जाना है. नेक्स्ट, अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है आपका लुक के कंपैरिजन में. लुक में हम क्या करते थे, हम डायरेक्शन रिवर्स करते थे. ठीक है, लुक के केस में हम लोग डायरेक्शन रिवर्स करते थे और फिर रिक्वेस्ट सर्व करने लगते थे उस डायरेक्शन में. यहां पर डायरेक्शन रिवर्स जरूर करना है, we have to reverse the direction, but यहां पर अब आपको जाना है स्ट्रेट दूसरे डायरेक्शन की जो सबसे पहली रिक्वेस्ट होगी वहां पर. ठीक है, रिवर्स द डायरेक्शन एंड मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट रिक्वेस्ट, फर्स्ट और लास्ट रिक्वेस्ट इन दैट डायरेक्शन. First request in that direction. ठीक है, उस direction की first request पे आपको जाना है. Then again, इसके बाद start servicing the remaining request. अब जो भी request बची उन request को service provide करना है. Start serving the remaining requests. ठीक है, same question solve करते हैं इस पे जो अभी हम लोगों ने solve किया था. This one 0 to 999, इसको solve करना है आपको C loop से. ठीक है, question है आप लोगों के पास. I am straight starting the solution for this. सबसे पहला काम, जो भी हमें यहां पर रिक्वेस्ट दी थी उन सारी रिक्वेस्ट को यहां पर लिखा. रिक्वेस्ट हमें दी हुई थी 123, then 874, 692, 475, 105, 376. ठीक है, This is Q. Q हमें ये given है. Next, दूसरी information हमें यहाँ पर given है कि present position is at 345. ठीक है, and moving towards
जीरो एंड मूविंग टूवर्ड्स जीरो, जीरो की तरफ मूव कर रहा है, जैसे बाकी में करते हैं सेम। एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करी, सारे नंबर्स लिखे असेंडिंग ऑर्डर में, डिस्क की लेंथ गिवन थी 0 to 999। नेक्स्ट जो ऊपर आपको नंबर्स दिए हैं इन सारे नंबर्स को अरेंज किया, सबसे पहला नंबर हमारा 105, देन 123, देन 345, देन 376, देन 475, आफ्टर दैट 692 एंड लास्ट इज 874। अब यहां पर प्रेजेंट रिक्वेस्ट है हमारी, यहां पर डिस्क आर्म को मूव कर रहा है टूवर्ड्स जीरो, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट सर्व किया 123, 123 के बाद 105। अब जब इस डायरेक्शन के हम लास्ट रिक्वेस्ट तक पहुंच गए, अब हमें अपना डायरेक्शन रिवर्स करना है, और डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद जो दूसरे डायरेक्शन में हमारी रिक्वेस्ट है उसको सर्विस प्रोवाइड करना है। मतलब 105 के बाद अब हम दूसरे एंड पे लास्ट में मूव कर गए 874। अब 874 के बाद बाकी जो हमारी रिक्वेस्ट बची उनको सर्विस प्रोवाइड करना है इन सिक्वेंशियल मैनर, 692, देन 475 एंड लास्ट 376। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए इस केस में। अगेन बहुत लोगों ने आंसर कर दिया है, अमन केसरवानी, वरुण वर्मा, रजत सिंह, श्रुति, वैभव, सुप्रिया, इशिता, प्रिया, यस करेक्ट, और भी बहुत लोगों ने आंसर किया है। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज 1507। अब इस केस में यहां पर आपका दिस इज डिफरेंट फ्रॉम योर सी आप लुक एल्गोरिथम। लुक में हम क्या करते थे, हम रिवर्स होते थे तो हम उस डायरेक्शन की सारी रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करते थे, मतलब 105 के बाद हम 376 और फिर 475। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो भी आपकी उस डायरेक्शन की रिक्वेस्ट है उनको सर्विस प्रोवाइड करने के बाद आप दूसरे डायरेक्शन के एंड पे मूव करोगे और फिर सारी रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करोगे। मतलब इस केस में आपकी जो भी रिक्वेस्ट सर्विस होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी हमेशा। ठीक है, सर्विसिंग हमारी हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगी। दिस इज क्लियर, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, क्वेश्चन नंबर टू। क्यू इज 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. हेड स्टार्ट पोजीशन इज 53 एंड हेड इज मूविंग टूवर्ड्स जीरो। टोटल डिस्क की लेंथ है आपकी 0 to 199। Start solving this.
all this. चलिए इस केस में आंसर करिएगा। सभी लोग सॉल्व करिए। अभी सिर्फ 40% स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया है। Do it fast, 30 seconds or टेन सेकेंड्स। करेक्ट आंसर इज जो रिजल्ट आप लोगों ने दिया है, दिस इज द रिजल्ट। दिस इज द रिजल्ट। इसके अलावा किसी का कुछ और आंसर आ रहा है? अगर और कोई आंसर आया तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करिए। चलिए सही है। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड फॉर सी लुक। Start solving.
क्वेश्चन विजिबल है आप लोगों को? ओके इसका आंसर निकालिए। डन चलिए स्टार्ट आंसरिंग। सिर्फ 35% लोगों ने अभी तक आंसर किया है। परसेंट लोगों ने आंसर किया है बस। जल्दी से कंप्लीट कीजिए इसको फटाफट। ओके लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए दैट्स इट। 75% लोगों ने लगभग आंसर किया है। आई एम शेयरिंग द रिजल्ट। करेक्ट आंसर इज 3363। ऑप्शन ए वॉज करेक्ट। 3363। 25 लोगों का ये आंसर सही है। समझ आया?
चलिए नेक्स्ट आपको अब एक पॉइंट और कवर करता हूं। नोटपैड विजिबल है आप लोगों को? ब्लैंक ओके। सो अभी तक हमने कुछ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स देखी। कौन कौन सी एल्गोरिथम्स हमने देखी? फर्स्ट हमने देखी फीफो, सॉरी FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सेकेंड SSTF, शॉर्टेस्ट सीट टाइम फर्स्ट। देन वी हैव सीन स्कैन, देन वी हैव सीन सी स्कैन। After this, we have seen look, and last algorithm we have seen C look. इसके अलावा और भी कुछ हमारी CPU scheduling disk scheduling algorithms हैं। I am just giving the name here. हम इसको discuss नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके syllabus में नहीं है। मगर आपको ये पता होना चाहिए कि और कौन-कौन सी scheduling algorithms हैं। So next is सॉरी ये FCFS नहीं, दिस वाज FIFO। नेक्स्ट आपकी इसके अलावा देर आर प्रायोरिटी एंड वी आर हैविंग योर एन स्टेप स्कैन एल्गोरिथम। नेक्स्ट वी आर हैविंग F scan algorithm। ये तीन algorithms और हैं जो आपके syllabus में नहीं है। कुछ books में FIFO दिया है, कुछ books में FCFS दिया है पहले का, ठीक है। नेक्स्ट अब एक और न्यूमेरिकल दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज दिस, वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क विच हैज। नाउ इन दिस वी हैव गिवन द नंबर ऑफ डिस्क विच हैज सपोज 32 डिस्क, 32 डिस्क हैं। नेक्स्ट इट इज गिवन the number of surface on disk, ठीक है। It is given there are 16 tracks, sorry 16 tracks on the each surface, हर एक surface पे 16 tracks आपको given है। Next इट इज गिविंग द नंबर ऑफ सेक्टर्स, आपको सेक्टर्स दिए हुए हैं हर एक ट्रैक पे, देर आर 32 सेक्टर्स, 32 सेक्टर्स गिवन है। एंड लास्ट ईच सेक्टर का आपको साइज गिवन हुआ है, ईच सेक्टर इज ऑफ सपोज 8 MB, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जो डेटा हमें गिवन है पहले उस डेटा को नोट करते हैं। वी हैव गिवन द नंबर ऑफ डिस्क, हमें नंबर ऑफ डिस्क दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिस्क कितना है 32। नेक्स्ट हमें ट्रैक्स की इंफॉर्मेशन दी है, तो नंबर ऑफ
ट्रैक्स कितने हैं 16। नेक्स्ट इसके बाद हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ सेक्टर्स, नंबर ऑफ सेक्टर्स, सेक्टर्स कितना हुआ 32। एंड लास्ट साइज ऑफ या कैपेसिटी ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का साइज हमें दिया हुआ है 8 MB। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी क्या होगा इसका? तो टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहला काम यहां पर आपको, अभी जब मैंने डिस्क का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, तो जितनी भी डिस्क होती हैं उन सारी डिस्क का पे आपका दोनों साइड पे कंटेंट राइट होता है। तो यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ डिस्क जितनी है, सरफेस हमारी इसकी जस्ट डबल हो गई। सो द टोटल कैपेसिटी कैसे निकलेगी, जितने हमारे पास डिस्क थी उनका दोनों साइड पे हम लोग कंटेंट को राइट कर सकते हैं। तो 2 × नंबर ऑफ डिस्क। 2 क्यों किया? क्योंकि टॉप साइड पे भी कोटिंग होती है और बॉटम साइड पे भी कोटिंग होती है, तो दोनों साइड पे हम लोग डेटा को राइट कर सकते हैं। अब एक तरफ की सरफेस में आपको गिवन है कि 16 ट्रैक्स हैं, तो टोटल ट्रैक्स कितने हो गए, 2 × 32 × 16, टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स निकाल लिए हमने। नेक्स्ट, एक ट्रैक में 32 सेक्टर्स हैं, तो टोटल सेक्टर्स कितने हो गए, × 32, ये हो गया टोटल सेक्टर्स। अब एक सेक्टर का आपको साइज दिया हुआ है × 8, तो दिस विल बी द आंसर। सॉल्व कर लीजिए इसको, दिस विल बी इक्वल टू 2 × 32 × 16 × 32 × 8। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस इज 2 × 62 = 144 MB। अगर आपको इसको GB में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड दिस बाय 1024। ठीक है, तो 1024 से हमने इसको डिवाइड किया तो दिस विल बी इक्वल टू 256 GB। व्हाई? बिकॉज़ 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। क्लियर है? समझ में आया? How I have calculated the capacity of disk. सबसे पहली चीज, हमारे जो डिस्क गिवन होती है, डिस्क में दिस इज द कलेक्शन ऑफ प्लेटर्स। ठीक है, प्लेटर्स पे दोनों साइड पे हम लोग कंटेंट राइट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ सरफेस कैलकुलेट किया पहले, 2 × जो हमारा डेटा था यहाँ पर 32। नेक्स्ट दूसरे फिर क्या किया, अब एक तरफ के सेक्टर में या एक तरफ की सरफेस में, अब उस सरफेस को डिवाइड करते हैं हम लोग ट्रैक्स में, जो आपका इनर से स्टार्ट होता है 0 से लेके पूरा लास्ट तक। तो ट्रैक्स में जब डिवाइड किया तो अब हमने टोटल ट्रैक्स कैलकुलेट किया, मतलब 16 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स मिल गया। अब हर एक ट्रैक में 32 सेक्टर्स थे, तो टोटल सेक्टर्स निकाले × 32 और कर दिया। हर एक सेक्टर का आपको साइज गिवन था 8 MB, तो × 8 किया, टोटल हमारा आया 2 × 62 = 144 MB। इसको कन्वर्ट किया जीबी में, आप एमबी में भी आंसर लिख सकते हैं या जीबी में भी, दोनों आंसर सही है। ठीक है, दिस इज क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर में जो हमने अभी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ी थी उनका थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लिए, अदरवाइज आई एम एंडिंग दिस क्लास। एनी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है सुमित। हाँ सुमित,
सर एग्जाम रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन? सर एग्जाम रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पहले यहाँ पे सब्जेक्ट से बात करिए। सर होगा कि नहीं होगा? नो क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन? चलिए दैट्स इट।